धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। जी हाँ, साल 2019 के कुंभ मेले के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आस्था की डुबकी के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त कुंभ मेले में पहुँचते हैं और लगभग 2 महीने तक अध्यात्म और आस्था की महामेला गंगा के पावन तट पर लगता है। अर्ध यानी आधा साल 2019 में हो रहा अर्ध कुंभ का आयोजन, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ ही होगी। साल 2013 में महाकुंभ आयोजन हुआ था, जिसके ठीक 6 साल बाद हरिद्वार और प्रयाग के गंगा तटों पर अर्ध कुंभ का आयोजन अब होने जा रहा है। हरिद्वार और प्रयाग में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पावन धरती प्रयागराज में 2019 की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े आयोजन से ही होने जा रही है। 14 जनवरी 2019 से अर्ध कुंभ की शुरुआत होगी और भक्त आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ये आयोजन 4 मार्च 2019 तक चलेगा। इस बार कुंभ आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। माना जा रहा है कि इस बार 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण हैं। इस बार के कुंभ मेले का आयोजन पिछले कई कुंभ मेले आयोजन को पीछे छोड़ देगा, इसका दावा किया जा रहा है। इस बार अर्धकुंभ में कई नई सुविधाएं भी देने की तैयारी है। साल 2013 के कुंभ मेले की राशि से लगभग 3 गुना ज्यादा राशि इस बार के अर्धकुंभ मेले के आयोजन में होने जा रही है। कुंभ मेले में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है। अर्धकुंभ के लिए भारतीय रेलवे 800 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए दिल्ली से 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन टिकट पर लगने वाला मेला सरचार्ज खत्म कर दिया गया, यह नियम 11 दिसंबर को लागू हो चुका है। भारतीय रेलवे अर्धकुंभ मेले के लिए 41 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिन पर 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IBM इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स के जरिए रेलवे स्टेशन और भीड़ पर नजर रखी जाएगी। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। नदी पर यात्रा के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। कुंभ इलाके में इस बार बड़ी संख्या में नाव बोट की व्यवस्था की जा रही है। किला घाट, सरस्वती घाट, नैनी ब्रिज, सुजावन घाट पर फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। सुजावन घाट से 20 किलोमीटर दूर किला घाट तक नाव बोट की सुविधा होगी। इसके व्यवस्था का जिम्मा इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंधों पर है। वाराणसी से प्रयागराज के जरिए एयरबोट चलेगी। ये एक ट्रिप में 80 किलोमीटर की रफ्तार से 16 लोगों को ले जा सकेगी। अर्धकुंभ में आस्था की डुबकी के लिए आने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या होती है भीड़ का मैनेजमेंट और सामान या फिर किसी अपने का खो जाना। इस बार आप यूपी पुलिस की मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आपको पुलिस की मदद मुहैया कराई जा रही है। इस बार कुंभ मेले में रुकने की व्यवस्था भी कुछ अलग होने जा रही है। इस बार अर्धकुंभ में लग्जरी टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम बस रही है। सबसे महंगे टेंट का किराया करीब 35,000 रुपए होगा। ऐसे 200 लग्जरी टेंट बनेंगे, जबकि कुल 600 टेंट लगाए जाएंगे, जिनमें 250 डीलक्स टेंट होंगे। इनका किराया 12,000 रुपए होगा। इसी तरह से एक कैनवास टेंट सिटी बस रही है। इसके लिए एक टेंट के लिए 2500 रुपए किराया है, जबकि एक रात के लिए 1000 रुपए प्रति बेड की सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार के साथ प्राइवेट कंपनियां टेंट सिटी बसाने का काम कर रही हैं। इन टेंट सिटी में बुकिंग के लिए वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्ध कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए और मेला परिसर में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की तैयारी है। साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी सरकार इस बार मुहैया करा रही है। मेले में सरकार की ओर से 1,22,000 टॉयलेट बनाए गए हैं। 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में 14 पार्किंग है, जिसमें 5,00,000 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। पूरे मेला परिसर में शटल बस और ई रिक्शा भी चलेंगे। पेंट माई सिटी के तहत प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में 1,500,000 वर्ग फीट में आर्ट वर्क किया गया है। मेले में 5 बड़े सांस्कृतिक पांडाल, गंगा पांडाल, प्रवचन पांडाल, सांस्कृतिक पांडाल बनाए जा रहे हैं। इनमें गंगा पांडाल सबसे बड़ा होगा, जिसमें सभी लोक नृत्य और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कुंभ मेले का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कुंभ का जिक्र तो पौराणिक कथाओं में भी है। सबसे बड़ा मेला कुंभ हर 12 साल बाद लगता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। साल 2019 में अर्धकुंभ का ही आयोजन हो रहा है।
आगे हम आपको बताएंगे कुंभ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।